बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जेई जेई मेंस का आया हुआ कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है मेरे पास जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, ये आपको रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। हम लोग एक चित्र बनाते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहा गया। ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड ए स्पीड यू कोलाइड इलास्टिकली विद द एंड ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल एज शोन। इफ द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन फाइंड एम बाई एम। देखिए, कहा गया कि एक रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है। हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले कहा गया, ये पहला क्वेश्चन है जेमेन का। चलिए, जेमेन का ये पहला क्वेश्चन, कहा गया मेरे पास एक रोड है, ठीक है, एक रोड है और ये पार्टिकल है जिसका मास एम है, ये यू वेलोसिटी से आ रहा है इस रोड के पास, और इसका ये सेंटर रहा, और ये रोड का जो लेंथ है वो रोड का लेंथ एल है और रोड का मास कैपिटल एम है। और भी कुछ कहा है? हाँ, यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड द लेंथ एल एज शोन। इफ पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन फाइंड एम बाई एम। और कहा है कि ये जो पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, ये यू वेलोसिटी से चल रहा है, तो कह रहा है कि बताइए इसका जो क्या है स्पीड एम बाई एम। मतलब वो कह रहा है कि स्मॉल एम बाई कैपिटल एम का वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए, ये अगर पूरा एल है तो ये कितना हो जाएगा, एल बाई टू, ठीक है। एक प्रकार से मानिए ये एक प्रकार का क्या है, सर्कल। ये क्या है, सर्कल। और सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस कितना है, एल बाई टू है, ठीक है। चलिए, अगर सर्कल का रेडियस कितना है, चलिए हम लोग बहुत सिंपल से बनाते हैं इसको। रेडियस कितना है, एल बाई टू। चलिए, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ओमेगा बराबर कितना होता है, भी बाई आर। यहाँ भी स्पीड का मान कितना है, यू। आर का मान कितना है, एल बाई टू। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, टू यू बाई एल। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बना लिए। मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना होता है, वी बाई आर। रेडियस का मान कितना है, ओमेगा बराबर वी बाई आर। ओमेगा बराबर क्या होता है, वी। वी स्पीड का मान है, यू बाई आर। तो यू बाई आर का मान कितना है, एल बाई टू। ओमेगा का मान कितना हो गया, टू को ऊपर कर दीजिए, टू यू बाई एल। यहाँ से ओमेगा अपना आ गया है, क्या आया है, टू यू बाई ऑल। और भी कुछ कहा है, और भी कुछ नहीं कहा है। चलिए, अब हमें क्या करना है, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। चलिए चलिए लगाते हैं। जब ये इसको यहाँ यहाँ से ये टकराया, ये केंद्र, ये सेंटर के अधीन ये रोटेट किया, ये सेंटर जो है, सेंटर से ऐसे ये रोड रोटेट किया, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, एल बाई टू। चलिए लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्या, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ये लगाना है। चलिए लगा दिए, क्या होगा, ये जा रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम बी आर। एम स्पीड, वी यू, और आर देख लीजिए, एल बाई टू। इसमें जाके ऐसे टकराया, रेडियस एल बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, टकरा के यहाँ रेस्ट में आ गया, यही तो रेडियस हुआ, ये सेंटर से रेडियस बराबर आई ओमेगा। रोटेट करने लगा, जैसे ये टकरा दिया, ऐसे घूमने लगा, सेंटर के अलोंग घूमने लगा। चलिए, एम यू एल बाई टू बराबर आई, रॉड के सेंटर पर, सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और बगल में ओमेगा का मान कितना है, टू यू बाई एल। ओमेगा मान कितना है, टू यू बाई एल। यूज, अच्छा ये कैपिटल एम होगा, रोड का मास है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, यू से यू गया। और भी कुछ बचा, बिल्कुल, ये एल से एल स्क्वायर कट गया, एक एल बचा, यहाँ बच गया एम स्मॉल एल बाई टू बराबर कैपिटल एम। एक एल कटा है, एक एल बचा है, एल यहाँ टू आगे आ जाएगा बाई 12। ये एल से एल गया, दो से दो छक्के 12, तो स्मॉल एम कैप बाई टू बराबर कैपिटल एम बाई 6। दो से काट दीजिए इसको, दो तिया छः,
स्मॉल एम कैपिटल एम उधर ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे बराबर 1/3। तो क्या आ गया, जरा गौर से देखिए, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम बराबर 1/3। ये जे मेन का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन था, है ना। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी। और भी कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल हाँ, एक क्वेश्चन है, ए कॉर्ड इज उन्ड उन्ड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, रेडियस आर द एक्सिस ऑफ व्हील इज हॉरिजॉन्टली एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट इज आई, ए वेट एम जी इज अटैच्ड टू द कॉर्ड एट द एंड, द वेट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट आफ्टर द फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस एच, देन द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील। ये वेरी सिंपल, ये एनर्जी कंजर्वेशन का लगाना है। कहा गया सबसे पहले, दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, जेईई मेन का दूसरा क्वेश्चन क्या है। जेईई मेन का दूसरा क्वेश्चन, जेईई मेन का दूसरा क्वेश्चन कहा गया, एक क्या है, एक डिस्क है ना, एक कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड है, इसमें एक रस्सी बांधा गया है, एम मास है यहाँ। कहा कि कुछ देर के बाद एम मास एच हाइट नीचे चला गया, कितना हाइट नीचे चला गया है, एच हाइट, पॉइंट ए से पॉइंट बी नीचे चला गया है, और इसका रेडियस जो है वो आर है, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी, रेडियस कितना है आर, ये सेंटर है ओ, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। हाँ, तब इसका मास एम दिया हुआ, और भी कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील ऑफ रेडियस आर एंड द एक्सिस ऑफ व्हील हॉरिजॉन्टली एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ है, और भी कुछ है, फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फोर्स, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। जी आई एंड ए वेट एम जी इज अटैच्ड टू द कॉर्ड एट द एंड ऑफ वेट फॉल्स फ्रॉम आफ्टर, और भी कुछ है नहीं। चल अब क्या होगा, कहा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें दिया हुआ, हॉरिजॉन्टली एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट इज आई एंड द वेट एम जी इज अटैच्ड टू द कॉर्ड एट द एंड वेट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट आफ्टर द वेट थ्रू वी बराबर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कहा है एंगुलर वेलोसिटी का जो स्क्वायर है उसका मान बताइए, चलिए ठीक है बताते हैं। अच्छा, ये जब यहाँ से नीचे आएगा तो मान लेते हैं ये किस कौन वेलोसिटी से आया होगा, वी वेलोसिटी से, कौन वेलोसिटी है वी, और यहाँ वी का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई वी बराबर कितना होगा, ओमेगा आर होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, वी बाई आर होता है, इसी को यहाँ लिख दिए हम, वी बराबर ओमेगा आर। चलिए अब क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो क्या होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ था, अब घट के यहाँ आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच बराबर काइनेटिक एनर्जी, अब ये मास वी वेलोसिटी के साथ नीचे आया है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। चलिए यहाँ तक सही है, एम जी टू को टू टू हटाइए उधर से, टू इधर ले आइए, एच बराबर एम वी का मान कितना होता है, ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस, ये टू से चला गया उधर, यहाँ बच गया आई ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो हो गया टू एम जी एच बराबर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, टू एम जी एच बराबर एम आर स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ हमें एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, तो टू एम जी एच बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई इजकल टू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, हमें यही निकालना था, कुछ भी नहीं करना है, ये रोड अगर यहाँ नीचे आ रहा है वी वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है तो वी बराबर हो जाएगा ओमेगा आर, और इसके बाद इसका काइनेटिक एनर्जी जो कि वी स्पीड से नीचे आ रहा है, वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी इसका घट रहा है, क्या हो जाएगा एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी,
ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद फिर ये कह रहा है इसका कोई क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, फिर इसका रोटेशनल एनर्जी है जो रोटेट कर रहा है आई मोमेंटम इनर्शिया वाला, तो क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें ओमेगा का मान निकालना था, ओमेगा स्क्वायर का मान निकालना था, ओमेगा स्क्वायर का मान कितना आ गया 2 mgh / mr² + i। तो धन्यवाद, आज यही समाप्त करते हैं।